अखबारात के जो आर्टिकल होते हैं जो संडे वाले मैगजीन में, उसमें क्या होता है कि एक फोटो होती है, उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई होती है, वन लाइनर एक लिखा होता है। तो वो कुछ इस तरह का दिख रहा होता है कि ये एक फोटो है और उसके नीचे एक वन लाइनर लिखा है। तो उसके लिए ना ये फिगर कैप्शन करके चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई HTML5। अच्छा, पहले भी ये काम कर सकते थे, लेकिन ये कि वो पहले फिर इमेज बनाते थे, उसके नीचे एक डिव लगा के एक लाइन लिखते थे। तो ये अब इन्होंने बिल्ट इन कर दिया ताकि सिमेंटिकली भी उसको पता चल जाए किसी भी मशीन को कि अच्छी ये जी इसका कैप्शन है। अदरवाइज अगर अलग डिव में है तो उसको सिमेंटिकली पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। अच्छा, तो एक ये हो गया। एक इन्होंने वेबसाइट बना के दिखाई है। ये वेबसाइट आई होप आप लोगों ने बना ली होगी। आप लोगों से मैंने कहा था कि रेसिपी वाली जो वेबसाइट है उसमें इमेजेस आप लगा लेंगे, तो आई होप कि आपने इमेजेस लगा ली होंगी करेक्ट डायमेंशन में और करेक्ट फॉर्मेट में आपने इमेज का इस्तेमाल किया होगा उसमें। अच्छा, फोटोपिया एक सॉफ्टवेयर हमने इस्तेमाल किया था, वो आप सब लोगों ने चला कर देख लिया, कोई इसमें इशू तो नहीं आया किसी को, इसमें किसी का कोई सवाल जो पिछले चैप्टर में हमने क्योंकि काफ़ी डीप गुफ्तगू की थी। अच्छा जी, अब चैप्टर नंबर 6 हमारे पास है, हाउ टू क्रिएट टेबल, व्हाट इंफॉर्मेशन सुइट्स द टेबल बेस्ट एंड हाउ टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा इन टेबल, कि टेबल को बनाना कैसे है HTML के अंदर अगर हम बात करें, और कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो टेबल में दिखाना मुनासिब है, टेबल में उसको दिखाया जाए तो ज़्यादा मुनासिब है, और टेबल के अंदर ना अगर कॉम्प्लेक्स डेटा हो तो उसको टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करना है। कॉम्प्लेक्स डेटा क्या चीज़ होती है ये हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट नीड टू बी डिस्प्ले इन अ ग्रिड और टेबल, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स रिजल्ट, स्टॉक मार्केट रिपोर्ट या ट्रेन का टाइम टेबल। अब ट्रेन का जो टाइम टेबल होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा कि कितने बजे ट्रेन आएगी और कितने बजे जाएगी, ये उसका टाइम टेबल इस तरह से होगा। लेकिन एक ट्रेन नहीं होगी ऑब्वियसली, आज के पूरे दिन में कितनी ट्रेन आनी है और कितनी ट्रेन जानी है, कि जी कराची कैंट का अगर हम स्केजुअल उठा के देखेंगे तो उसमें आज के दिन किस वक्त कौन कौन सी ट्रेन आएगी और किस वक्त कौन कौन सी ट्रेन जाएगी। तो इसमें दो डेटा पॉइंट्स आ गए, एक तो दिन का कौन सा वक्त है यानी कि टाइम, और दूसरा ट्रेन कौन सी वाली है, ठीक है, और एक तीसरा डेटा पॉइंट भी कि आ रही है कि जा रही है, ठीक है, अप है या डाउन है। तो ये 3 डेटा पॉइंट हो गए, चौथा डेटा पॉइंट ये होगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो ये जाहिर है डेटा हम लिस्ट में तो नहीं दिखा सकते, इसको हमें टेबल में दिखाना चाहिए, ठीक है। इसी तरह स्पोर्ट्स का रिजल्ट है, स्पोर्ट्स के रिजल्ट में क्या होता है जी कि मुख्तलिफ तरह से रिजल्ट को दिखाया जाता है। एक तो रन किसने कितने बनाए वो दिखाया जाता है कि जी आपके पास लाइन से जो बैट्समैन है उनके नाम लिखे आ रहे होते हैं, और एक ग्राफ सा बना हुआ आ रहा होता है कि जी इस बैट्समैन ने इतने बना लिए इतने बना लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा चेंज कर दें कि जी कितनी बॉल पे कितने रन बनाए, तो क्या होता है कि जी एक तरफ बॉल बनी भी आ रही होती है, एक तरफ रन बना हुआ आ रहा होता है, और बीच बीच में वो ऐसे डॉट्स बना के वो बैट्समैन के नाम लिख देते हैं, तो वो ग्राफ में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से स्पोर्ट्स रिजल्ट और टाइम टेबल जो ट्रेन का है उसके अलावा बहुत सारा ऐसा डेटा है जिसको हम टेबल में दिखाएं तो ज़्यादा मुनासिब होता है। अगर इसको पैराग्राफ में लिख दें हम अगर टेक्स्ट के तौर पे तो शायद उतना मेक सेंस नहीं होगा ये, जितना ये टेबल में होता है। अच्छा, ये एक इन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है जिसमें एक टेबल बनाकर इन्होंने दिखाया है। इस पेज पे इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि सबसे पहले तो आप देखें कि अखबार पड़ा हुआ है जिसका नाम है द इंटरनेशनल समथिंग, द इंटरनेशनल द इंडिपेंडेंट नाम है इस अखबार, छोटा सा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और मंडे 16 अप्रैल 2011 इस पे डेट लिखी हुई है, और जो जो सेक्शन है ये इस अखबार का शेयर्स एंड मार्केट्स करके इसका नाम है। इस सेक्शन में तमाम जो मार्केट्स हैं, जो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड जितने भी पब्लिक लिमिटेड मार्केट्स हैं, उन तमाम का यहाँ पे प्रोग्रेस आ रही है कि पिछले वीक या पिछले दिन जो गुजरा हुआ दिन है उसमें इनकी क्या सूरत हाल रही है, मार्केट कितने पे ओपन हुई है और कितने पे क्लोज हुई है, ठीक है। एक तो जो प्राइवेट लिमिटेड होता है, प्राइवेट लिमिटेड तो उनके लिए ज़रूरी नहीं होता ये डेटा पब्लिक करना, ठीक है। तो जो प्राइवेट लिमिटेड का मतलब ये होता है कि एक बंदा या दो या तीन लोगों ने मिलकर उस कंपनी को बनाया हुआ है और उनका अपना पैसा इसमें शामिल है, किसी और का पैसा नहीं लगा हुआ। पब्लिक लिमिटेड ये होता है
कि जी दो लोग हैं, उनका पैसा लगा हुआ है, लेकिन पब्लिक भी उसमें पैसा डाल सकती है। जैसे हमारे पास पब्लिक लिमिटेड जो है, वो जो के इलेक्ट्रिक है, पीटीसीएल है, स्टील मिल वगैरह भी शायद पब्लिक लिमिटेड हैं, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में जो रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, फिर उस तरह की कंपनी के लिए जिन्होंने जिसमें पब्लिक ने पैसा डाल दिया अपना, उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो अपना डेटा पब्लिक करें कि जी आज कितने का सेल, कितने की सेल हुई है और कितना नफ़ा नुकसान हुआ है, वो पब्लिक करते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे नहीं, बल्कि अब तो क्योंकि इंटरनेट वगैरह आ गया और वो सॉफ्टवेयर से लेस हो गए हैं स्टॉक मार्केट वाले भी, तो वो पर मिनट के हिसाब से वो अपडेट हो रहा होता है कि जी हर मिनट बता रहा होता है कि ऊपर गई कि कंपनी की नीचे गई। तो ये वो स्टॉक मार्केट का अखबार में ये लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, एक और आप देखें कि नेशनल रेल का ये ना कोई हैंडआउट है कि कौन सा जोन है और कितने उसके पैसे हैं, उसका कुछ रेट लिस्ट टाइप की चीज़ बनी हुई आ रही है, इसको भी टेबल में बताया गया है, ठीक है। और उसके अलावा ये कोई पैकेज है जिसमें प्रीमियम और स्टैंडर्ड दो तरह के पैकेज हैं, दोनों के रेट फ़र्क हैं, अलग अलग हैं, और दोनों पैकेजेस में बताया जा रहा है कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। तो ये कुछ इन्होंने एग्जाम्पल बताई है, रियल लाइफ में टेबल्स का इस्तेमाल जो है वो कहाँ पर हो रहा होता है, उसकी कुछ एग्जाम्पल्स बताने की कोशिश की है। अच्छा, अब अगले पेज पे जब हम आते हैं तो उसी न्यूज़पेपर का ये डिजिटल वर्जन हमारे सामने है। एक वेबसाइट है जिसमें स्टॉक मार्केट की सूरत हाल हमें दिख रही है, वही सेम बात जो अखबार में हम देख रहे थे वो यहाँ पे हमें दिख रही है। डाओ, नज़दाक, S&P, ये हमें सारा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है जी। तो ये कंपनी के नाम है जो इंटरनेशनल बड़ी कंपनीज है, नज़दाक बहुत बड़ी कंपनी है, गूगल वगैरह भी शायद इसके अंडर में आता है, अल्फाबेट इसके अंडर में आता है। तो ये बता रहे हैं कि जी कितने पॉइंट पे ये ओपन हुई है और कितने पे क्लोज हुई है और कितने पॉइंट मार्केट इसकी नीचे आई है। अच्छा, तो ये ऑब्वियसली एक टेबल है, ठीक है जी, ये एक एक रो है ये टेबल की है, ठीक है, 1 2 3 4, ये चार आइटम एक रो में है, फिर उसके बाद ये अगले चार आइटम है, फिर उसके बाद अगले चार आइटम है, तो ये टोटल चार रो और चार कॉलम की एक टेबल है। अच्छा, तो कोई मुझे क्या ये बता पाएगा कि इस वेब पेज के ऊपर टेबल का इस्तेमाल और कहां पे किया गया है? जहां पे हेडिंग लगी हुई है वो भी मोस्ट प्रोबली शायद टेबल ही होगा, क्योंकि ये भी तो एक रो में है चीज। अच्छा, यहां पे कहां पे आपने बताया? हाँ, लास्ट में जो ये कमोडिटीज और करेंसी और ये, तो ऑब्वियसली टेबल है, ठीक है। अच्छा, ये इसके नीचे जो बात लिखी हुई है ये एक अलहदा टेबल है, इसमें चार कॉलम थे, इसमें तीन कॉलम है, इसका मतलब ये एक मुख्तलिफ टेबल है। तो 1 2 3 टेबल तो ये कंफर्म है, और कहीं पे टेबल नजर आ रही हेडिंग ये वाली? इसकी जो हेडिंग अच्छा, करेंसीज के जो नीचे कमोडिटीज लिखा हुआ है ये भी ऑब्वियसली एक टेबल है, जो कि एक रो उसकी नजर आ रही है, बाकी जाहिर है स्क्रॉल होगा पेज जब नजर आएगी, तो ये भी एक हेडिंग है और ये भी एक टेबल है। अच्छा, ये जो बात लिखी हुई है यहाँ पे, ये भी एक टेबल है जिसके अंदर सिर्फ एक रो है, ऐसी टेबल भी हो सकती है जिसमें सिर्फ एक रो होती है, सही है। तो कुल मिला के बात ये है कि इस पेज पे मुख्तलिफ जगहों पे हमें टेबल का इस्तेमाल नजर आ रहा है, एक से ज्यादा टेबल इसमें इस्तेमाल की गई है इस पेज के ऊपर। अच्छा, तो इसको बताना, असल में ये पेज जो इन्होंने दिखाया है राइटर ने, इनका मकसद ये था कि आपको रियलाइज हो जाए कि टेबल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो कभी कभी इस्तेमाल होगी, टेबल एक ऐसी चीज़ है जो आप डेली बेसिस पे जितनी भी वेबसाइट्स विजिट करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको टेबल ज़रूर नज़र आ रहा होता है, बट इसको देख के ऐसा फील नहीं होता कि ये टेबल है। इसको देख के एक नॉर्मल बंदा ये रियलाइज़ नहीं कर पाता कि ये टेबल है, जब तक वो उसको गौर से ना देख ले, या अनटिल एंड अनलेस कि उसको HTML उसने पढ़ी भी ना हो, उसको ये ना पता हो कि ये टेबल का इस्तेमाल है यहाँ पे। अच्छा जी, तो टेबल ये बनेगी कैसे? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, टेबल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा जी, कि टेबल का एक टैग होगा, टेबल का टैग ओपन और टेबल का टैग क्लोज, ठीक है जी। उसके बाद एक अदद है TR, TR स्टैंड फॉर टेबल रो,
ठीक है, इसको बल्कि हम कोडिंग में आके करें तो शायद ज़्यादा बेहतर समझ आएगा ये। ओके, ये लास्ट सेक्शन का कोड है। सेक्शन बी, यहां पे आके मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, फोर डॉट टेबल, अब यहां पे मैं टेबल का एक टैग बनाता हूं और इस टेबल के टैग में मैं क्या करता हूँ, एक टी आर ओपन करता हूँ। ठीक है, टी आर स्टैंड्स फॉर टेबल रो, सही है। तो एक दो तीन रो, चार रो बना दी मैंने, सही है। अब पहली जो रो है टेबल की, मिसाल के तौर पे हम बुक में आ जाते हैं और बुक में मिसाल के तौर पे मैं ये बना देता हूँ, पहले ये वाला पार्ट बना देता हूँ मैं, करेंसीज जो लिखी हुई है ये वाला पार्ट बना देता हूँ। तो यहां पे तीन करेंसी का नाम लिखा हुआ है, तो ये पहली रो, ये पहली रो है जिसपे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, दिस इज द फर्स्ट रो। उसके बाद सेकंड रो ये वाली है, दिस इज द सेकंड रो, और ये है थर्ड रो। ठीक है, अच्छा कॉलम भी है ये, इस तरह ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, लेकिन HTML में उसको कॉलम वाइज नहीं देखते। हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम कॉलम वाइज देख लें या रो वाइज देख लें। तो अगर कॉलम वाइज देखेंगे तो रो खुद ही बन जाएगी, या रो वाइज देखेंगे तो कॉलम खुद ही। तो HTML में वी लुक एट द टेबल रो वाइज। तो ये हमारे पास ना तीन रो है, तो तीन रो में सबसे पहली रो में मैंने क्या लिखना है, एक करेंसी का नाम लिखना है। अच्छा, तो जो जाहिर है सेल होगा TD। अब अगर मैं रो के अंदर ऐसे लिख दूं अगर के जी US डॉलर, और साथ में मैं 285 लिख दूं ऐसे, तो ये उसको पता कैसे चलेगा कि अलग अलग है। तो मुझे एक आइटम को मुझे किस में पैक करना होगा, इसको पैक करना होगा TD में। TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा, सही है। फिर एक और TD बनाता हूं मैं, और उसमें मैं ये लिख देता हूं कि 285, ठीक है। और तीसरी बात क्या लिखी हुई है इसके अंदर उन्होंने, अच्छा कि कितने परसेंट ये ऊपर गया है या कितने परसेंट नीचे गया है। तो हम यहाँ पे एक और TD बना देते हैं कि जी ये क्या हुआ है, ऊपर गया है, प्लस हुआ है ये 20% मिसाल के तौर पर। ठीक है, जो भी पहले था उससे 20, अच्छा ये जैसे ही मैंने फॉर्मेट का बटन दबाया ना, तो इसने क्या किया, उसको एक लाइन में कर दिया। ठीक है जी, तो हमारे पास ये टेबल का टैग ओपन है और ये पहला जो टेबल रो था, ठीक है, ये पहला जो टेबल रो है ये हमारा, ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको जरा मैं क्या करता हूँ, ओपन करके देख लेता हूँ, राइट क्लिक किया, कॉपी पाथ, और यहाँ पे आके जी मैंने उसको ओपन कर दिया। तो जी ये टेबल के जो पहली रो थी ना, मुझे ये नजर आ गई यहाँ पे। ठीक है, इस पर अभी वो बॉर्डर्स नहीं आ रहे क्योंकि मैंने बॉर्डर इस पर लगाए नहीं है। ठीक है जी, अब मैं दूसरी रो बना लेता हूँ जरा टेबल की। मैंने कहा जी TD और PKR लगा देता हूँ इसमें मैं, और एक TD और बना देता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ कि जी 1। ठीक है, और मैं इसमें लगा देता हूँ कि जी TD एक और 0, जितना था उतना ही है, सही है। और ठीक है, और क्या लगा देते हैं हम, CAD कैनेडियन डॉलर, और ये गालबन चल रहा है कोई 200 के अराउंड, और ये भी प्लस हुआ है तकरीबन 10। ठीक है, ये फिक्शनल ये डेटा है, ये कोई इसमें मतलब रियल डेटा नहीं है, ये जस्ट एक फिक्शनल डेटा है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये एक टेबल बन के तैयार हो गई, जिसमें क्या है, पहली रो ये रही, दूसरी रो और ये तीसरी रो है, सही है। ये तीन रो आ गई है मेरे पास बन के।
अच्छा, इस पे अगर मैंने बॉर्डर लगाना है तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है, देखो उनका बॉर्डर वन, ठीक है, तो 1 पिक्सल का एक बॉर्डर उस पर बना के दे देगा मुझे, दैट्स इट। ठीक है, बॉर्डर बनाना हमेशा मुझे ज़रूरत नहीं होती बॉर्डर बनाने की, बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे करके बना सकता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इसको अगर मैं फॉर्मेट करूँगा ना तो ये इसको नीचे लेकर आ जाता है। मिसाल के तौर पर मैं राइट क्लिक करके अगर फॉर्मेट का बटन दबाऊँ तो ये उसको इस तरह कर देता है फॉर्मेट को, जैसे कि बुक में बनाया हुआ है। लेकिन मैंने कंट्रोल जेड करके वापस इसको इसी फॉर्म में लाता हूँ, और मैं इसको इस तरह से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इसको रिलेट कर पाए। देखिए, टेबल एक्चुअल में दिखेगी इसी तरह, ये पहली रो पूरी ऐसे दिख रही है, दूसरी रो ऐसे दिख रही है, तीसरी रो ऐसे दिख रही है। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैंने आपको इस तरह छोड़ा है इसको। अदरवाइज बुक में जहाँ पे भी आपको मिलेगा वो फॉर्मेट वही मिलेगा जो इसके अंदर बुक में लिखा हुआ है। तो ये हमने जो पहली टेबल थी अपनी वो कंस्ट्रक्ट कर ली है, और उसका रिजल्ट इस तरह दिखाया था, हमारे पास भी इसी तरह आया रिजल्ट, हमने बॉर्डर भी उस पर लगा के देख लिया है। अच्छा, टेबल के अंदर अब क्या हो सकता है, टेबल की एक हेडिंग हो सकती है ना, टेबल की एक हेडिंग भी हो सकती है। तो उसके लिए क्या हमने तरीका किया है कि हम यहाँ पे लगाएंगे टी आर ही होगा टेबल रो, ठीक है जी। टेबल रो के साथ ना मुझे हर कॉलम के साथ एक हेडिंग चाहिए, तो मैंने कहा टी एच, मैंने कहा कि जी करेंसी नेम है, करेंसी नेम पूरा ही लिख देते हैं, करेंसी ना, करेंसी नेम हो गया जी पहला। और उसके बाद दूसरा टी एच मुझे चाहिए रेट, और तीसरा मुझे टी एच चाहिए के माइनस और प्लस पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स माइनस या प्लस हुए हैं उसके अंदर। रिफ्रेश किया मैंने तो आप देखें ये टॉप पे ना बना हुआ आ गया, एक और रो बनी हुई आई है असल में। अगर रो में वैसे भी बनाता सिंपल तरीके से तो वैसे भी ये रो बन जानी थी, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि मैंने यहाँ पे टेबल डेटा की जगह टेबल हेडिंग का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये टेबल हेडिंग करके लिखा है मैंने। अच्छा, टेबल हेडिंग जो है दैट इज अ सिमेंटिक टैग, ये याद रखें कि टेबल हेडिंग जो है वो क्या है, सिमेंटिक टैग है। स्क्रीन पे तो ये बोल्ड होके नजर आ गया, बट बोल्ड तो बोल्ड के टैग से भी हो जाता, लेकिन अब इसका सिमेंटिक वैल्यू ये है कि जब कोई मशीन आकर मेरे इस टेबल को रीड करेगी तो उसको ये पता चलेगा कि ये हेडिंग जो है ये इसका जो आ, आ, इसकी इसका जो रिलेशन है इस टेबल के साथ वो इस कॉलम के साथ है, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये करेंसी के नाम है। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि यहाँ पे एक हेडिंग होती और करेंसी के नाम इधर इधर होते, है ना। तो अब ये देखें, अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, यार क्या किया इन्होंने, ये अच्छा यहीं पे तो बताया इन्होंने, हाँ ये रहा ना स्कोप बताया है इसने कि जी इसका स्कोप जो है वो कॉलम है या रो है। इस जो हेडिंग जो मैंने लगाई है, इस हेडिंग का जो स्कोप है वो क्या है। तो मेरे ख्याल में इस हेडिंग का जो स्कोप है मेरे, वो क्या है, वो नीचे का पूरा कॉलम है। अगर मैं वापस स्क्रीन पे जाऊं तो ये करेंसी जो है ये इस कॉलम के लिए, यानी कि इसको इसको और इसको रिप्रेजेंट कर रही है हेडिंग। ठीक है, हालांकि ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे हेडिंग होती और वो सामने वालों को रिप्रेजेंट कर रही होती, जैसे कि आप जो बुक में एग्जाम्पल इन्होंने दिखाई है, अगर आप इस पर गौर करें तो आप देखें ये टिकट सोल्ड है, ये जो हेडिंग है ये इस रो को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अच्छा टिकट सोल्ड 120 और 135, बट 120 कब, सैटरडे को 120, संडे को 120। तो सैटरडे का जो स्कोप है वो बॉटम की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी कि उसका स्कोप है कॉलम। संडे का जो स्कोप है वो भी कॉलम है, लेकिन टिकट सोल्ड का जो स्कोप है वो रो है, यानी कि लेफ्ट टू राइट। इसी तरह टोटल सेल का भी जो स्कोप है वो लेफ्ट टू राइट है। तो अब यही वजह है कि टिकट के ऊपर ना इन्होंने लिखा होगा रो, ये देखें टिकट सोल्ड के ऊपर लिखा है स्कोप में, जैसे टी एच के ऊपर ही स्कोप लगेगा ये, क्योंकि हेडिंग का ही स्कोप हो सकता है, एक नॉर्मल टेबल सेल का स्कोप नहीं होता, तो वो रो हो जाएगा। अच्छा, और सैटरडे और संडे के साथ कॉलम लिखा हुआ है, तो हमारे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम लिखेंगे स्कोप और कॉलम। ठीक है, रेट का भी स्कोप जो है वो कॉलम है, ठीक है, और इस प्राइस का भी जो स्कोप है वो कॉलम है।
हमारे पास जो जितनी भी हेडिंग थी सबका स्कोप कॉलम था, रो के स्कोप वाली हमारे पास कोई हेडिंग इस वक्त मौजूद नहीं है। अच्छा, अगेन दिख रही है बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन दिस इज अ सेमेंटिक डिटेल कि जब कोई मशीन मेरे पास आएगी ना और इस टेबल को स्टडी करने की कोशिश करेगी, इस टेबल को जब पढ़ने की कोशिश करेगी, तो उसको पता होगा कि करेंसी का नाम ये नीचे लिखा हुआ है सारा। अच्छा जी, उसके बाद है स्पैनिंग कॉलम। स्पैन जो हम कहते हैं बालिश को कहते हैं अंग्रेजी में वैसे, ठीक है, कि स्पैनिंग का मतलब होता है कि जी एक सेल जो है ना वो कितनी जगह लेगा। तो इस टेबल को अगर आप एग्जाम्पल देखें, मंडे लिखा हुआ है इसने और जियोग्राफी ने क्या लिया हुआ है, दो सेल लिए हैं, 9 AM वाले और 10 AM वाले, दो सेल लिए हुए हैं। इसके नीचे वाले ने 3 सेल का इस्तेमाल किया हुआ है। आर्ट और होम इकोनॉमिक्स ने एक एक सेल लिया हुआ है। तो किसी भी सेल के ऊपर अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं लगा देता हूँ रो में उसको इंक्रीज करना चाहता हूँ मैं, तो मैं कहूँगा रो स्पैन 2, तो वो 1 से 2 हो जाएगा या 3 हो जाएगा। ठीक है, आप देखें यहाँ पे रो स्पैन इसने लिखा हुआ होगा 2, ओ सॉरी कॉल स्पैन, क्योंकि जब वो ऐसे मूव कर रहा है जो वो हॉरिजॉन्टली जो वो एक्चुअली एक कॉलम से निकल के दूसरे कॉलम में चला जाता है, तो ये कॉल स्पैन इन्होंने किया हुआ। इसी तरह रो स्पैन होगा, रो स्पैन में वो ऊपर वाले रो से निकल के नीचे वाले में आ जाएगा। यहाँ पे रो स्पैनिंग की एक एग्जाम्पल आ गई अगली। ठीक है, यहाँ पे देखें मूवी जो है उसने 2 रो का इस्तेमाल किया हुआ है, एक रो से निकल के वो दूसरी रो में भी पहुंच गई, तो मूवी के ऊपर रो स्पैन इन्होंने 2 लगाया हुआ होगा। ठीक है जी, ये देखें मूवी के ऊपर इन्होंने रो स्पैन लगाया हुआ है 2। तो ये बहुत ईजी सी चीज़ है, और इसका इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी किस्म का जो टाइम टेबल स्केजुअल वगैरह है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, बल्कि आप कोशिश कीजिएगा कि एक वेबसाइट ऐसी बना लें जिसमें आप जो भी आपका डिपार्टमेंट है वहाँ के टाइम टेबल्स वगैरह उसमें लगा लें। कोई लंच ब्रेक होता होगा, ज़ाहिर है टी ब्रेक होता होगा, तो वो उन चीज़ों की उसमें डिटेल लिख लें। ठीक है, या वैसे ही फिक्शनल एक डेटा तैयार कर लें, एक फिक्शनल किसी स्कूल का टाइम टेबल बना लें आप, या किसी एग्ज़ाम का टाइम टेबल आप उठा लें, घर में पड़े होते हैं बच्चों के, तो वो उठा के आप और उसको जो है वो एक उसकी वेबसाइट बना दें, HTML में उसको कन्वर्ट कर दें। ठीक है जी, लॉन्ग टेबल में क्या होता है, लॉन्ग टेबल के अंदर आपके पास टी हेड टी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं आप। अच्छा, ये टी हेड और टी बॉडी क्या चीज़ है, इसको मैं ज़रा उठा लेता हूँ यहाँ से। ये कुछ इस तरह से दिखेगा, हेडिंग टी हेड ना ऊपर दिख रहा है, टॉप पे दिख रहा है ये, और टी फुट है एक लास्ट में, जो लास्ट में दिख रहा है। अच्छा, इसके लिए मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। लॉन्ग टेबल लिख देता हूँ इसका नाम, ठीक है, longtable.html, और इसमें मैं ऐसे लगा के और ये टेबल पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, बल्कि मैं इसको उठा के ChatGPT को देता हूँ ताकि इसको थोड़ा लंबा कर दे इस टेबल को ना।300 रोज, मैंने इसको कहा कि यार ये लो टेबल एक और इसको ना 300 रोज पे कन्वर्ट कर दो, तो देखते हैं कि ये कर पाता है कि नहीं। यार ये जितना स्लो है ना, इतने में बंदा हाथ से कर ले, कुछ करना शुरू तो किया है इसने, लेकिन बस ये आज की जिंदगी में कर दे। बार्ड भी खोला था मैंने थोड़ी देर पहले, इसने तो कहा कि भाई वेट लिस्ट पे डाल दिया मुझे इसने, अरे अरे चल गया। अरे चल गया भाई चल गया, मैं यही सेम चीज़ ज़रा बार्ड को बोलता हूँ क्योंकि वो थोड़ा ना फास्ट है। बार्ड को बोलता हूँ आगे मैं, यार ये बात ना, ये भी रो रहा है।
विथ एग्जाम्पल डेटा। अच्छा ये लगा हुआ है अपना, स्लो स्लो लगा हुआ है, ठीक है, ये स्लो स्लो जनरेट करने में लगा हुआ है चैट जीपीटी। और बार्ड ने हमें क्या कहा, सीधा मना किया है, सही है, बार्ड ने हमें सीधा मना किया है कि भाई ये तो नहीं मैं कर सकता। सही है, सबमिट करते हैं हम कि भाई ये नॉट वर्किंग है, और बार्ड को बंद करते हैं हम, बार्ड की हो गई छुट्टी। बस ये ठंडा हो गया इधर आगे, ये क्या हुआ है? वेल गुड इनफ, इसने डेटा क्रिएट क्रिएट कर दिया हमारे लिए, तो हम इतने डेटा को आके ज़रा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। असल में इसका चक्कर ये है कि स्क्रीन को अगर छोड़ के मूव करो तो वो जनरेट करना बंद कर देता है। और हम यहाँ पे आके ना जी, हमारा जो ये टेबल बॉडी जो है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, ये थोड़ा सा कर दिया था बॉडी, तो हमें थोड़ी लंबी चौड़ी बॉडी चाहिए ना। तो मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या किया है कि बुक का ही डेटा उठाया है, सही है, इसको ज़रा मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्या किया। ये टेबल स्टार्ट, यहाँ पे टेबल ख़त्म है, ये इतना पार्ट जो है वो टी हेड है, यानी टेबल हेडिंग है, ये सिर्फ लॉन्ग टेबल के लिए इन्होंने कहा है, सिर्फ लॉन्ग टेबल के लिए रेकमेंडेड है, शॉर्ट टेबल में ये काम हमें नहीं करना है। तो ये टी हेड है जो कि एक कंप्लीट पूरी की पूरी रो है, एक कंप्लीट रो है जिसको एज अ हेडिंग उन्होंने लगाया है। उसके अलावा है टी फुट जो एक कंप्लीट एक रो है, यहाँ पे आप देखें अंदर टी आर लगा हुआ है, एक कंप्लीट रो है जिसको एज अ फुटर कंसिडर किया गया है। अच्छा उसके दरमियान में टेबल बॉडी है, ये बॉडी वो चीज़ होगी जिसमें लॉन्ग टेबल हमें दिख रही होगी। इसको मैंने कोलैप्स किया, वापस खोलूंगा तो आप देखें टी बॉडी डबल क्यों हो गया, टी बॉडी समहाउ डबल हो गया था, ठीक है जी। टी बॉडी के अंदर ना ये सारे रो शामिल है जो कि एक्चुअल ये टेबल की क्या है, ये एक्चुअल बॉडी है, ठीक है, ये हमारे पास टी बॉडी यहाँ पे खत्म हो गई। अच्छा इसको जब मैं चलाऊंगा ना तो ये एक नॉर्मल टेबल की तरह चलेगी, और इसमें आपको नॉर्मल टेबल से डिफरेंट कुछ भी नजर नहीं आएगा, सही है। तो इसको जरा हम देख लेते हैं चला के, ये बिल्कुल एक नॉर्मल टेबल की तरह लग रही है यार, ये अभी भी कम है डेटा बहुत ना, डेटा अभी भी कम है बहुत। तो मैं काम करता हूँ इसी टेबल बॉडी के अंदर जो भी चीज़ है ना उसी को डबल करके इसका डेटा बढ़ा लेता हूँ, है ना। इट लुक्स लाइक के बहुत सारा है लेकिन स्टिल अभी भी ये कम है, ठीक है, अब ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया डेटा, राइट। तो ये लॉन्ग टेबल तो ये है, बट ये ऊपर हेडर और ये जो नीचे फुटर है ये तो एक एक दफा ही आ रहा है, और ये मतलब कुछ डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है इसका कि एक नॉर्मल टेबल में और इस लॉन्ग टेबल में डिफरेंस क्या है। तो ये डिफरेंस आपको जब पता चलेगा जब आप इसको करेंगे प्रिंट, तो देखें जैसे ही मैंने इसको प्रिंट किया है तो ये टेबल एक पेज से ज्यादा पे जा रही है, बल्कि ये 3 पेजेस पे जा रही है ये टेबल। तो आप देखें हर पेज पे ना, ये देखें ये पेज A4 पेज मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, सही है, पेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कहीं, ये रहा A4 सेलेक्ट हुआ हुआ है, सही है, हिडन है ये सेटिंग। वेल तो A4 पेज के ऊपर ना ये एक से ज्यादा पेज पे आ रहा है, तो आप देखें यहाँ पे ये डेट ऑटोमेटिकली आ गई है, जो कि आप किसी भी वेब डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो डेट आ जाती है खुद ही, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ रहा है जो कि मेरे इस वेब पेज का टाइटल है एक्चुअली, ठीक है, ये टाइटल इसका डॉक्यूमेंट है। टाइटल जो भी होगा, मिसाल के तौर पर अगर मैं चैट जीपीटी पे आके इसको प्रिंट करूंगा तो इसमें क्या आएगा, वो जो न्यू चैट इसमें लिखा हुआ रहा है जो टॉप पे यहाँ, तो वो लिखा हुआ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पे टेबल स्टार्ट हुई है, टेबल का जो हेडर था वो लिखा हुआ आ गया। अब पेज के हम नीचे चलते जाते हैं, नीचे नीचे चलते जाते हैं हम, यहाँ पे मेरा पेज पहला जो पेज था वो ख़त्म हो गया। तो पहला पेज ख़त्म हो गया तो यहाँ पे ना फुटर लगा दिया इसने, ठीक है, 7824 जो इसका अल्टीमेट टोटल है, वो जो फुटर में जो बात मैंने फिक्स लिखी हुई है वो यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब आप अगले पेज पर देखें ये टेबल वहीं से कंटिन्यू हो गई है, 305 2090 और जो भी सो ऑन। अच्छा ये फुटर, ये हेडर दोबारा से आ गया और ये फुटर यहाँ पे दोबारा से आ गया, ठीक है।
तीसरे पेज पे भी ये हेडर और फुटर दोनों आ गया। तो ये हेडर और फुटर जो है इसका जो रिजल्ट है आपको जब नजर आएगा जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे, लॉन्ग टेबल जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको ये रिजल्ट नजर आएगा। ऑन अदर एंड अगर मैं क्या करता हूँ कि इसमें से ये चीज़ हटा देता हूँ, मैं हेडर और फुटर वाला जो आइटम है ये मैं हटा देता हूँ, टॉप पे चलता हूँ मैं, टॉप पे चल के ये जो टी हेड था ये पूरा मैंने हटा दिया, सही है ना। टेबल के अंदर डायरेक्ट रोज हैं, अब मेरे जो एक्चुअल रोज हैं डायरेक्ट वो रोज मेरे टेबल के अंदर मौजूद है। और मैं लास्ट में भी जाके इसके क्या करता हूँ, ये फुटर इसका हटा देता हूँ और टेबल बॉडी जो बंद हो रहा था वो भी हटा देता हूँ। अब डायरेक्ट टेबल है और डायरेक्ट रोज है टेबल के अंदर, जैसे कि हमने इससे पहले वाली फाइल में बनाया था। और अब मैं इस पेज को कैंसिल करके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें ये डायरेक्ट ऐसे शुरू हो रहा है। अब मैं कंट्रोल पी करूँगा ना, प्रिंट करूँगा इसको, तो आप देखें ये नॉर्मली उसी तरह चल रहा है। अच्छा एक तरीका टी एच भी था ना हेडिंग लगाने का, तो वो टी एच वाला हेडिंग लगा के देख लेते हैं। जो टी एच वाली हेडिंग थी ना, क्या थी हेडिंग एक्चुअली, थी क्या वो तो देखूँ पहले मैं। डेट इनकम एक्सपेंडिचर, डेट इनकम एक्सपेंडिचर ना, ये पूरा ये टी आर उठा लेता हूँ मैं एक, ये पूरा टी आर लगा दिया मैंने यहाँ, राइट। ये पहली जो रो है वो हेडिंग बन जाए, और इन तीनों पे मैं स्कोप लगा देता हूँ कि जी ये कॉलम है, स्पोज स्कोप इसका, ठीक है। हेडिंग तो ये अभी भी बन गया बट इट विल नॉट वर्क एज लॉन्ग टेबल। अब इसको मैं देखें प्रिंट करूंगा ना, तो ये हेडिंग सिर्फ पहले पेज पे आया, ये पहले पेज पे हेडिंग आ गई एज अ रो, अब दूसरे पेज पे ये हेडिंग शो नहीं कर रहा होगा, यहाँ पे नहीं शो कर रही। तो ये जो लॉन्ग टेबल का इन्होंने बात की है, जिक्र किया है, वो प्रिंट करते हुए आपको उसका रिजल्ट नजर आएगा, नॉर्मली उसका रिजल्ट आपको नजर नहीं आएगा। इसको मैं कंट्रोल जेड करके वापस से इस पे वो लॉन्ग टेबल वाली चीज़ें लगा देता हूँ जो मैंने हटा दी थी इस पे से, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने, ये दोबारा से जो है वो हेडर फूटर दोनों लगा हुआ आ गया इसका। अच्छा जी, और अब देख लेते हैं ज़रा क्या है बुक में हमारे पास। एक लाइन भी आ रही है लेकिन हमारे पास वो लाइन नहीं आ रही है, वो मेरे ख्याल है प्रिंट पे ही आ रही है शायद लाइन भी। अच्छा नहीं, प्रिंट पे भी नहीं आ रही। हाँ ये लाइन आनी तो चाहिए लेकिन ये नहीं आ रही है, मे बी इन्होंने ये CSS के थ्रू लगाया है। हाँ नहीं, लाइन खुद से नहीं आती, खुद से नहीं आती लाइन ना, खुद से नहीं आती, ये इन्होंने लगाया है यहाँ पे। क्या आप देखें विर्थ 400 सेल पैडिंग, और सेल काफ़ी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे से दी हुई, सेल पैडिंग दी है, लाइन तो इन्होंने यहाँ पे भी नहीं लगाया। लाइन कैसे आ रही है यार, आई एम नॉट श्योर कि लाइन कैसे आ रही है, क्योंकि लाइन तो इन्होंने, ओह सॉरी ये तो मैं दूसरी टेबल पे था ना। अच्छा इधर तो इन्होंने कुछ भी नहीं लगाया। मैं आपको ये बताता चलूं कि किसी भी टेबल के जो सेल पे ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपने यूज़ किया होगा, गूगल शीट, वो गूगल स्प्रेडशीट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, उसमें क्या होता है कि किसी भी सेल पे आप लाइंस लगा सकते हैं। अगर मैं जाता हूँ ना यहाँ पे, ये मेरे पास एक एक्सेल की शीट है, बल्कि नहीं ये वाली नहीं, मैं एक नई शीट खोल लेता हूँ। ठीक है जी, ये नई शीट मैंने खोल ली है। इसमें क्या होता है कि जी आप यहाँ पे से आके ना, जैसे ये वाला सेल मैंने इसका पकड़ा हुआ है, तो ये वाला निशान होता है कि बॉर्डर आपने जी कौन कौन सा लाना है। मैं कहूँगा अच्छा जी ये नीचे बॉर्डर लगा दो आप, सही है। तो आप देखें इसके नीचे बॉर्डर आ गया, मैंने चार सेल को पकड़ा ऐसे और मैंने कहा कि जी इसको ना नीचे वाला बॉर्डर दे दो इस पर, तो ये देखें नीचे बॉर्डर बना हुआ आ गया। तो ये काम ना हम CSS के जरिए भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर मैंने कहा कि जी नीचे वाला बॉर्डर भी मुझे दो आप, और आप ना दरमियान वाला भी बॉर्डर दे दो मुझे, तो आप देखें ये दरमियान वाला भी बॉर्डर लग गया। तो ये काम ना हम CSS के जरिए ये कर सकते हैं टेबल के साथ, कि हमें बॉटम पे बॉर्डर चाहिए, साइड में चाहिए। तो मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने ये किया है कि टेबल लिखी है और हेडिंग वाला पार्ट जो था उसमें बॉटम पे उन्होंने बॉर्डर लगा दिया, इस वजह से वो आ रहा है। बट वो CSS का कोड उन्होंने बुक में मेंशन नहीं किया, वो उन्होंने वैसे ही कहीं पे मतलब अंदर लगा के ना और रिजल्ट प्रिंट कर दिया। तो हो जाता है ये, बुक में इतनी लंबी बुक लिखी है तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें खैर है। अच्छा ये ओल्ड कोड जिसमें लिखा हुआ ये हम नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ना हमारे लिए मुनासिब नहीं है।
क्योंकि ये ओल्ड कोड जिस जिस पीस चीज पे लिखा हुआ है उसका कोई नया अल्टरनेटिव आ चुका है और वो इस बुक में ही कहीं ना कहीं डिस्कस हुआ हुआ है। ठीक है, तो ओल्ड कोड को हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे जी। इन्होंने सर्वर जो ऑनलाइन सर्वर खरीदा जाता है अपने वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, उसका एक पैकेज की वेबसाइट बनाई है कि जी दो पैकेज है, एक स्टार्टर है और एक बिजनेस है। सो दो पैकेज हैं, दोनों में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और उनके पैसे क्या हैं वो यहाँ पे इन्होंने लिखे हुए हैं। और बस यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो गया, इसकी समरी पढ़ लें बस 2 मिनट में, फिर हम अगले चैप्टर पे मूव करते हैं, टाइम तो है हमारे पास अभी।